दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर दोस्तों, भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले आई भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी, ऋषभ पंत को मिली भारतीय टीम में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है और दिग्गज बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के ऋषभ पंत को महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला 16 जून को शाम 3 बजे से खेला जाएगा। मुकाबले से पहले दोनों टीमों के मौजूदा फॉर्म पर नजर डाले तो भारतीय क्रिकेट टीम अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि टीम का 3रा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल में वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पर काबिज है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान अब तक के इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेल चुका है, जिसमें 2 हार के साथ वह वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पर काबिज है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत 3रे पॉइंट टेबल में स्थान पर काबिज है, जहां पर पाकिस्तान की बात करें तो वह 8वें नंबर पर है। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 पंजाब डाले तो टीम इंडिया के मुकाबले के दौरान कुछ खास बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर दोस्तों, टीम इंडिया भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास बदलाव करते हुए है पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतर सकती है। टीम इंडिया में होने वाले बदलाव की बात करें तो टीम के मध्यक्रम में बदलाव देखने को मिल सकता है तथा चोटिल शिखर धवन की जगह टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर राहुल ओपनिंग की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और आगामी मुकाबले को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के मन में एक और सवाल है कि क्या ऋषभ पंत को टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मुकाबले में ऋषभ पंत को टीम में मौका मिलने के बारे में बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने उन्हें टीम के प्लेइंग 11 से बाहर बैठा सकती है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम में ऋषभ पंत को शिखर धवन के बैकअप के तौर पर इंग्लैंड बुलाया गया है। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि कल मतलब कि 16 जून को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में शिखर धवन की जगह टीम इंडिया में ऋषभ पंत की वापसी कराकर पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 4 पर खेलने के लिए भेज सकती है। दोस्तों आप सभी की राय क्या है, क्या ऋषभ पंत को कल के मुकाबले में शामिल करना चाहिए हमें, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।